पल के लिए हम जी सके। कौन है तुम्हारे यहाँ? सभी तो हैं। मेरे पिता है, माँ है, भाई है। और वो कौन? तुम्हारा पति। कब हुई थी शादी तुम्हारी? हजारों साल पहले, पिछले जन्म में। अभी देश वाले अपने देश में परदेशी नहीं बने थे। 1947 में, जब इंसान अभी हैवान नहीं बना था, और लाहौर वही लाहौर था। बर्तनों को कौन नहीं सहराता। फिर भी ये कहूंगी भाई साहब, मेरी शांति बिल्कुल गाय है गाय। तुम आ गई बेटी, इन्हें प्रणाम करो। केक लीजिए राय साहब, अभी तक केवल नहीं आया। अजी आता ही होगा, आप तो जानते लाला जी लाहौर है और एक एक मोड़ पे हजारों चीजें हैं जो रास्ता रोक ले। ये लोग तुम्हें देखने आए हैं। राय साहब लाहौर के बड़े रईस हैं। ये क्या हुलिया बना रखा है, चलो जल्दी कपड़े बदल लो। माँ, रास्ते में एक अजीब जानवर पाला पड़ा था, पता नहीं ये लाहौर के लड़के कब सुधरेंगे। नमस्ते जी। तेरा हो, तूने कमाल किया, केवल इतनी देर कर दी। क्या करता पिताजी, रास्ते में एक अजीब खौफनाक लड़की से पाला पड़ गया। भगवान बजाय लाहौर की लड़कियों से, एक ने तो आज मेरा गला ही घोंट दिया था। बड़ा शरारती हो गया। बेटे चाय लो ना। जी हाँ। सुना है राय साहब आपने मॉडल टाउन में बंगला खरीदा है। जी हाँ, खरीदा तो है। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद केवल वहीं रहे। ये अपनी जगह मस्त, हम अपनी जगह आजाद। लेकिन लाला जी, दोस्तों का कहना है कि जमाना बहुत बुरा है, जाने कल क्या हो जाए। क्या हो सकता है राय साहब। खड़ी क्यों, बैठो बेटी, बैठो ना। आइए ऐसा, हम आप बाहर चलकर बैठे। ओह ठीक है ठीक है। बहन जी चलिए, मैं आपको घर दिखा ला। चलो। अरे इतनी जल्दी लौट गई आप, हमें तो बहुत लंबा सफर काटना है एक साथ। ये क्या, आपने पाँव के नीचे कुछ मसल दिया है। क्या? एक गरीब का दिल। चलिए आप इस बहाने हंसी तो सही। आज की रात हमारे मिलन की रात है, इसी की यादगार मैं ये अंगूठी। रोशनी को क्या हुआ? आ जाएगी, अभी आ जाएगी। जो रोशनी आज गई है कभी ना लौटेगी। ये रोशनी जो आई है, रोशनी नहीं अंधेरा है। इंसान हैवान बन गया है। आज आधा लाहौर चल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम तो कहां गई हो? डरो मैं जो हूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हाथ लाओ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूं। लेकिन जब मेरी रक्षा का वक्त आया, तुम दिल्ली जा चुके थे अपने पिताजी का सोना उठा के। मुझे तो ये भी नहीं मालूम इन 5 वर्षों में तुमने एक बार भी मुझे याद किया है या नहीं। तुम्हारे लिए मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ। जी नहीं, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है और एक दिन वो जरूर आएगी। छोड़ो केवल, तुम तो 5 साल से यही राग अड़ाप रहे हो। ये तो कान भी पक गए बेटा, मुर्दे भी कभी वापस आए। भगवान जाने इन 5 वर्षों में उस बेचारी पे क्या गुजरी होगी, वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में। मैंने ब्याह किया था उसे वचन दिया था, कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। कहाँ का ब्याह और कैसी रक्षा, महीने भर की शादी भी कोई शादी होती है। मैं तो कहता हूँ भूल जाओ उसे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। लोग रोज रिश्ते लेके आते हैं। पिताजी आप सोच कैसे सकते हैं ऐसी बातें। मैं इंसान हूं केवल, देवता नहीं। कल ही क्लब में राय बहादुर दीनानाथ ने बात छेड़ी थी। ठेकेदारी में उन्होंने लाखों कमाए, इकलौती बेटी है, दहेज में क्या नहीं देंगे। बस बस पिताजी, इससे आगे मैं सुन भी नहीं सकता। हेलो। हेलो राय साहब। नमस्ते लाला जी, हुक्म कीजिए। पाकिस्तान से कुछ लड़कियां आई हैं और अखबार में उनके नाम छपे हैं। एक नाम आपकी बहू का है। मेरी बहू का? आपकी बेटी का नहीं? मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया राय साहब, जब डोली में बिठाकर बेटी आपके घर ले गई। वो तो आपके घर की लक्ष्मी है, ये आप पर है। आप उसे अपने घर में जगह दें या दर बदर की ठोकरें। तुम इन आंसुओं से मेरा फैसला नहीं बदल सकती। मैं उसे घर में नहीं ला सकता। दिल तो मेरा भी छलनी हो रहा है तुम्हारी तरह, लेकिन मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। बाहर तो मुझे जाना पड़ता है, मैं लोगों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। पिताजी ठीक कहते हैं माँ, हम 5 बरस से अपनी इज्जत रखने के लिए दुनिया से ये कहते हैं कि शांति मर चुकी है। लेकिन वो जिंदा है। जो जिंदा है वो मेरी बहन नहीं। क्या मैं उसे एक बार देख लूंगी? देख सकती हो, लेकिन एक वचन देना होगा। तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। उन्हें मालूम ही नहीं होगा, नहीं तो वो कब के दौड़े आते। वो जरूर आएंगे, पिताजी भी आएंगे, माँ आएगी, भैया आएगा। वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं उनकी कुछ नहीं। बेटी यहाँ शांति नाम की लड़की आई है, वो कहाँ है? जी अंदर है। अंदर? अच्छा आओ अम्मा आओ। पिताजी। बेटी। पिताजी मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। तुम्हें भूल हो रही है बेटी, मैं तुम्हारा बाप नहीं। पिताजी। हाँ बेटी, मालूम होता है कि तुम्हें बहुत सदमा पहुंचा। आपका मतलब? हाँ बेटी, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। बताओ कि तुम भी मुझे नहीं पहचानती? तुमने दुख सह सहकर मुझे पाला, महीनों अपनी कोख में रखा। क्या तुम भी मानी? क्या हो गया? चलिए पिताजी घर चले, बहुत हो गया। भैया। मुझे भैया मत कहो, मैं तुम्हें पहचानता तक नहीं। तुम भी मुझे नहीं पहचानते। ये देखो हमारे चेहरे पर नाखूनों की खराशें हैं। ये मैंने तुम्हें बचपन में दी थी, वो भी भूल गए हो। 5 साल इस तरह गुजार के वापस आ जाती हमारे मुंह पे कीचड़ उछालने। मेरी बहन मर गई, उसे अपनी और हमारी इज्जत का ख्याल था, उसने खुद ही अपनी जान ले ली। हुआ करते हैं। आओ, आओ चल। आओ ना। माँ। तुम्हें हजार खून माफ कर सकती हूँ, तुमने मुझे पहचान लिया ये कम है। मैं तुम्हें न पहचानता, अपनी जिंदगी को मैंने अपने आप को कितना कोसा है, मेरे दिल ने मेरी कितनी मना। आगे कुछ न कहो, आगे कुछ न कहो, सिर्फ मुझे देखने दो, जी भर के देख लेने दो। मैंने जिंदगी में क्या खो दिया था, मेरा तो जहान ही छीन गया था, मेरी दुनिया बदल गई, मगर तुम जरा भी नहीं बदले। केवल चलो चले, पिताजी तो बुरा नहीं मानेंगे। उनकी बातें छोड़ो, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? मेरे कारण तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा नहीं, छोड़ आया हूँ। हम तुम जहाँ भी जाएंगे अपनी खुशी खुद ढूंढ लेंगे। आओ चलो। चलती हूँ, तुम यहीं ठहरो, तुम्हें कुछ दिखाना है। यहीं ठहरो, तुम्हें मेरी कसम। इधर देखो केवल, तुम्हारा खून, तुम्हारी अमानत, जिसे 5 बरस मैंने अपने सीने से लगाए रखा। बच्चे, मेरे बेटे, क्या नाम है बेटा तेरा? अनवर। है? अनवर। गलत न समझो, ये अनवर है लेकिन तुम्हारा ही बेटा है। मैं सब समझा दूंगी, मैं बता दूंगी इसका नाम अनवर क्यों पड़ा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, यहाँ आना। देखो अनवर, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान। अब तो कुछ कहना चाहती हो? चाहती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चे ने जो सुना है वही कह रहा है। ठीक है, कह रहा है शायद। केवल तुमने इतना तो पूछा होता कि अब्दुल रहमान कौन है? कौन है? अब्दुल रहमान वो आदमी है जो आज भी मेरे सामने आ जाए तो मुझे नहीं पहचान सकेगा, कम से कम मेरी शक्ल से नहीं। पहचान पाएगा तो सिर्फ मेरे पांव से या मेरी आवाज से, बिल्कुल लक्ष्मण की तरह। ये मैं नहीं मान सकता। कलयुग में भगवान ने कभी इंसान का रूप लिया है तो शायद अब्दुल रहमान का लिया है। उसी के कारण मैं तुम्हारे पास पहुंच सकी हूँ, तुम्हारी अमानत तुम तक ला सकी हूँ। अब्दुल रहमान मेरे भाई की तरह। इससे आगे मैं सुन भी नहीं सकता। 5 बरस में देवी समझ कर तुम्हारी पूजा करता रहा, और आज तुम मुझे राम और लक्ष्मण की कहानी सुना रही हो। मैं ही बेवकूफ था जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ यहाँ चला आया। मुझे क्या मालूम था कि मैं झूठी हूँ। चली जाओ। क्यों रो रही हो? मैं बहुत दुखी हूँ बेटा, बहुत दुखी हूँ। याद है माँ, जब मैं नींद में डर जाता था तो रोने लगता था, अब्बा उठकर मेरे पास आ जाते थे। तुम भी वो कहो माँ जो अब्बा कहते थे, मेरे साथ कहो। बिस्मिल्लाह इर्रहमान निर्रहीम। जिंदगी और दुनिया दोनों बहुत खूबसूरत चीजें हैं और आज मैं दोनों से मुंह मोड़कर मरने जा रही हूँ। कई बार मरना आसान मालूम होता है और जीना मुश्किल। आज तो मुझे जीना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। जिस वक्त ये खत किसी को मिलेगा तब तक मैं। माँ आई बेटा। माँ मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ लेटो ना। सो जा बेटा। नहीं माँ, पहले मुझे कहानी सुनो ना। कहानी कैसे सुनाऊं, सब लोग सो रहे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे सुनो ना। कौन सी कहानी सुनाऊं? कौन सी कहानी? हाँ पापा की कहानी। कलयुग की बात है बेटा। भाई भाई का दुश्मन बन गया था, पानी महंगा था और खून सस्ता। मेरे सास और ससुर घर छोड़कर चले गए थे, कह गए थे मुझे लेने आएंगे, झूठ कह गए थे। मैं अकेली थी और चारों तरफ। मार देता कोई, ये बंदूक किस दिन काम आएगा। ओ आप हैं, माफ कर। बहन पर्दा कर लो। आंख उठाकर तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। हम बहुत अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन हमारा एक बहन था सकीना, वो हिंदुस्तान में है। हम सोचता है हम इधर एक बेजार और मददगार औरत का मदद करता है तो खुदा उधर शायद किसी हिंदू या सिख के दिल में बैठ जाएगा और हमारे बहन को बचा लेगा। क्या सोच रहे हो उस्ताद? सोच रहा हूँ मुझ जैसा साधु संत इस धंधे में कैसे फंस गया। उस्ताद तुम और संत? अरे पगले, दूसरे संत बनते, हम तो संत पैदा हुए थे। वो कैसे? कैसे? हाँ सुनो, आदमी जब संत बनता है तो जात पात ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम देश विदेश रंग नस्ल के तमाम भेदभाव भूल जाता है। मैं इसलिए संत हूं कि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, ईसाई हूं, कौन हूं। अब बोलो, हूं ना पक्का संत में? जरा जोर से पीछे। ये तो सब ठीक है उस्ताद, मगर धंधा नहीं करोगे तो खाओगे क्या, जिंदा कैसे रहोगे? बात तो सोचने लायक है। आखिर संतों को भी तो जिंदा रहना पड़ता है। तो लो सुनो। अरे चुप करता है कि नहीं? तेरा तो दिमाग काट गया। चल चल। ओ क्या? नहीं नहीं जो नो बस रो नहीं बेटे, हंस। अरे इसलिए हंस कि इस दुनिया में रोएगा ना तो दुनिया वाले तुझे और रुलाएंगे। हाँ। तू कौन है रे? मैं पूछती हूँ तू कौन है? मैं? छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। देखो लोगो जरा तो सोचो बनी कहानी कैसे, कहीं पे खुशियाँ कहीं पे गम है, क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है ऐसे। वारे तेरे काम कहीं सुबह कहीं शाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। रोक रहे हैं राह मेरी मैं नबी के पीछे, हम तो खाली बात के रसिया इश्क नहीं हम सीखे, इश्क नहीं हम सीखे। जहाँ भी देखा काम करता वही सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। मैं हूँ गरीबों का शहजादा, जो मांगो वो दे दूँ, शहजादे तलवार से खेले मैं अश्कों से खेलूँ, मैं अश्कों से खेलूँ। मेहनत मेरा काम देना उसका काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। पान दे? नहीं पान नहीं, मेरे चिट्ठी तो पढ़ो। जिंदगी और दुनिया दोनों बहुत खूबसूरत चीजें हैं, और आज मैं दोनों से मुंह मोड़कर मरने जा रही हूँ। क्या कई बार मरना आसान मालूम होता है और जीना मुश्किल। आज तो जीना मुझे बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। जिस वक्त ये खत किसी को मिलेगा तब तक मैं आगे पढ़ूँ। ये किसकी चिट्ठी है? में कोई भी नहीं तुम्हारा? नहीं। माँ बाप बहन भाई पति? नहीं, कोई नहीं जिसके लिए मैं जी सकूं। कोई भी नहीं तुम्हारा? आओ मेरे साथ। छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। बच्चा रोता हुआ सुबह यहाँ से चला गया है। कहाँ चला गया? मालूम नहीं, अभी तक वापस नहीं आया। जंगल के रास्ते की तरह तुम्हारे लिए खुला है। मैं भी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं, लेकिन वादा करता हूं तुम्हारी कमजोरी और बेबसी का कोई फायदा नहीं उठाऊंगा। तुम यूं मान लो ना कि तुमने आत्महत्या कर ली है और ये तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। और मैं वचन देता हूं तुम्हारे पिछले जन्म की कोई भी बात नहीं पूछूंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। तो छोटा सा झोंपड़ा है, लेकिन कोशिश करूंगा तुम किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। इतनी सी जगह में तुम और मैं। फिक्र मत करो, वो तुम्हारे लिए और मैं बाहर पड़ के सो रहूंगा। बाहर सर्दी में? मुझे सर्दी वर्दी नहीं लगती, खट्टा खट्टा आदमी हूँ, ढेर सारी वर्जिश करता हूँ। हाँ। लेकिन बात दरअसल ये है कि रात को मुझे चांद तारों से बातें करने में बहुत मजा आता है। अंदर से तो मैंने सोचा मैं किसी और के यहाँ आ गया हूँ। इस घर का तो रंग ही बदल गया। कितना फर्क पड़ जाता है एक औरत के आ जाने से, झोपड़ा घर बन जाता है। मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरा मतलब है मुझे मालूम ही नहीं कि घर क्या होता है। सारी जिंदगी तो गली में काटी, मैं तो इसे भी फुटपाथ ही समझता था। चाय पी के जा, गरम है। ख्वाहिश होती है कि उसके बाद दुनिया में उसका काम बाकी रहे, उसका नाम बाकी रहे। और नाम चलाने के लिए बेटे की जरूरत होती और बेटे के लिए बीवी की जरूरत होती है ना। तो हमने भी सोच लिया कि लगे हाथ को अच्छी सी लड़की मिले तो हम उसके साथ शादी करें। ख्याल तो बुरा नहीं उस्ताद, मगर तुम तो कहते थे हम बहुत बड़े संत हैं। संत के साथ मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी हूँ। हम डर है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरे साथ मेरा आर्ट भी मर जाएगा। वाह कमाल किया आपके यहाँ। कहाँ जा रही? बाजार जा रही है। ये भाजी तरकारी ले आना। का पता मिल गया। सच? कहाँ? यंग बॉयज स्कूल में। बैठो बच्चे, बैठो। Rule number 1. Yes, sir. Number 2. Rule. 3. Yes, Yes, sir. 4. Yes, sir. 5. Yes, sir. 6. Yes, sir. 7. Yes, sir. 8. Yes, sir. 9. Yes, sir. 10. Yes, sir. 11. Yes, sir. 12. Yes, sir. Number 13. Number 13. Number 13. वो जा रहा है. Number 13. यहाँ. नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है अनवर. इधर आओ. जब राय साहब पहली बार तुम्हें स्कूल लाए थे, तुम तो अपनी मेकर बटन तक नहीं बंद कर सके. हर बड़े आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि उसके बाद दुनिया में उसका काम बाकी रहे, उसका नाम बाकी रहे. नाम चलाने के लिए बेटे की जरूरत होती है. नहीं नहीं, बच्चा यही ठीक है. इंतजार कर रहा था. एक बार तो सोचा शायद तुम वापस ही नहीं आओगी. वापस कब आओगे? क्यों? मैं खाने के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी. भिगा भिगा, डम डम भिगा भिगा, मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम भिगा भिगा, मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो कोई रे आज रुक गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम भिगा भिगा, मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। सनम हम माना गरीब है, हाय सनम हम, जी सनम हम माना गरीब है। नसीबा खोटा सही बंदा छोटा सही, नसीबा खोटा सही बंदा खोटा सही, दिल ये खजाना है प्यार का। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम भिगा भिगा, मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान। देखो मेरी मुट्ठी में क्या है, होगा कुछ नहीं, होगा नहीं, बताओ ना क्या है। मुझे नहीं मालूम। घड़ी, बहुत खूबसूरत है। लेकिन जिसके लिए लाया वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। जब वो ये पहनेगी तो मालूम होगा गहने ने गहना पहना। कहाँ से लाए हो? बाजार से खरीद के। जरा अपना हाथ देना तो देखो ये कलाई पे कैसे लगती है मेरे। बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। देखा उसकी कलाई पे कैसे लगी। किसकी? जिसके लिए ये लाया था। एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि अगर तुम उसे देखोगे तो खुद शर्मा जाओगी। कहाँ है तो यही, लेकिन किसी दिन तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। तो देखो ये क्या। तब तक मेरी खातिर इसे अपने हाथ में बांधे रखो, जब उसे मिलोगे ना खुद ही दे देना। बाप को फल तोड़ते देखकर बेटे ने कहा, पिताजी। बैठो बैठो अनवर। बच्चा अंगूठा चूस रहा। बाप रुक क्यों गए अनवर, आगे पढ़ो। अकेले पड़ा जाता मास्टर, मुझे माँ की याद आ रही है। अनवर, माँ की याद बहुत आ रही है क्या? जी मास्टर जी। देखो अनवर, तुम मुझे मास्टर जी मत कहा करो। तो क्या कहूँ मास्टर जी? पिताजी, हम भी तुम्हें कुंवर कहेंगे। कितना अच्छा नाम है कुंवर, है ना? नहीं, हमें तो अनवर ही पसंद है। क्यों? माँ भी हमें अनवर कहती थी, अब्बा भी हमें अनवर कहते थे। मासी मासी, जरा पढ़ के तो बताओ क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है नटखट। नटखट? नटखट तो आप पहुंचे मासी को तंग करने? कोई बात नहीं बहन, इसे रोज भेज दिया करो, मैं इसे पढ़ा दिया करूंगी। राजी वाला जब से शांति, माफ करना बहन, मैं जाने क्या बक गया। नमस्ते रमेश। आइए डॉक्टर साहब। आज इंजेक्शन नहीं देंगे डॉक्टर साहब? नहीं रमेश, अब तो मैं कल से आऊंगा भी नहीं। आखिर हम कब तक अपने आप को धोखा देते रहे। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आज मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ रमेश, यही नहीं, कोई बीमारी नहीं, एक गहरा सदमा पहुंचा है। ये चीजें देखती हैं, उसे पहचान नहीं सकती। लेकिन डॉक्टर साहब, इस सदमे का कोई इलाज? जो बीमारी है वही इलाज है। जो चीज इनकी जिंदगी से है उसे किसी तरह वापस ला दो। अच्छा? अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्ते। कैसी है? खुद ही जाके अंदर देख लीजिए। कहाँ जा रहे हो रमेश? शांति को यहाँ लाने। पागल हो गए हो क्या? आज मुझे मालूम हो गया कि माँ क्यों बीमार है। हमने माँ से कहा था कि वो शांति को पहचानने से इनकार कर दे। उसी रोज से वो अपनी पहचानने की शक्ति खो बैठी है। मैं तो सोचता हूँ शायद माँ को भी उसी बात की सजा मिल रही है, नहीं तो माँ ने कौन सा पाप किया था? खामोश! मैं बताऊं, उसने शांति जैसी बेटी और तुझ जैसे नालायक और बदतमीज बेटे को जन्म दिया। पिताजी कान खोल कर सुन लो रमेश, वो मेरे जीते जी इस घर में नहीं आ सकती। रमेश, रमेश, ये राखी किसकी है? राखी? लेकिन ये आपको कहां से मिली? अंदर खिड़की। खिड़की? ऐसी राखी तो सिर्फ शांति बना, अपने हाथों से बना, बिल्कुल बना। मालिक, लड़की को आते जाते देखा? लड़की? एक लड़की इस लड़की के पास खड़ी थी और फिर वो रोती रोती बाहर चली गई। बाहर चली गई। मेरे ख्याल में शांति। हम हैं जुरू तेरे राहों में खड़े हैं दिल खोलते हर हम हैं दीवाने तेरे नाम के। बता ही चुका हूं मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। जब वो सामने आती है मैं उसे कुछ कह नहीं पाता, इसलिए चाहता हूँ जो कह नहीं सकता वो खत में लिख दूं। खत दूसरों से लिखवा नहीं सकता इसलिए पढ़ रहा हूँ। अब तक कितना पढ़ लेते हैं? थोड़ा बहुत, सीधे साधे अक्षर पहचान लेता हूँ, मोटे मोटे लफ्जों की मुश्किल होती है। अच्छा तो ये पढ़ लो। करना ब पर ऊ की मात्रा बूर पर ई की मात्रा री बूरी च पर ई की मात्रा ची ज है। चोरी करना बुरी चीज है। जैसे गलत स्कूल में भर्ती हो गया। अगर इस तरह किताब फेंकते रहोगे तो पढ़ोगे कैसे, और अगर पढ़ोगे नहीं तो खत कैसे लिखोगे? किसी से लिखवा लूंगा। अगर किसी और से लिखवाना है तो चलो मैं लिख देती हूँ। क्या लिखो? देखो मेरी प्यारी, नहीं 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 प्यारी नहीं, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी, मांगना कुछ नहीं। यही तो मुश्किल है। उसका नाम होटों पे आते दिल धड़ 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 करने लगता है। अच्छा आगे क्या लिखूं? लिखो तुम इतने पास हो कि मैं तुम्हें छू सकता हूं। तुम इतनी दूर हो कि चांद और तारे तुमसे नजदीक मालूम होते हैं और तुम तक पहुंचना बहुत कराता। और बस बस आज के लिए इतना ही काफी। नीचे लिख दो तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। पता क्या लिखूं? पता पता कुछ नहीं, मैं खुद ही उसे दे दूंगा। आजकल की पोस्ट वालों पे मुझे कोई भरोसा नहीं। मेरी जान कुछ भी लीजिए चाहे जान मेरी लीजिए, मेरी जान कुछ भी लीजिए चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। कभी नाम हमारा लीजिए, कभी याद हमें भी लीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए, सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। कभी तो हमसे कर लो दो बातें, प्यारा मुकड़ा मोड़ के, तुम कहो तो धरती पे ला दूं चांद तारे तोड़ के, पर ये वादा हमसे कर लो जाओगे ना छोड़ के। कभी याद हमें भी लीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए, सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। मेरी जान कुछ भी कीजिए चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। कभी याद हमें भी लीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए, सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। मेरी जान कुछ भी लीजिए चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। आज सुबह से मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा पढ़ना तो केवल। ये किसका खत है? अब्बा, मार्फत खुदा, पाकिस्तान। जरा देखो क्या लिखा है। मेरे अच्छे अच्छे अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। तुम वहां हो, मैं यहां हूं। मां कहां है? मेरा दिल अब बिल्कुल नहीं लगता। तुम कद को तार समझ कर जल्दी आ जाओ, जरूर अनवर। ये किसका खाता है? केवल केवल ये किसका खाता है? ये अनवर का खाता है। तुम उसे जानते हो? जी हाँ, मेरी क्लास में पढ़ता है। अनवर को पहली क्लास से भेजना। इस बच्चे को देखकर दिल दहल जाता है केवल। कौन सी ऐसी माँ होगी जो इसे छोड़कर चली गई? कौन सा ऐसा बाप होगा जिसने इस मासूम को ठुकरा दिया? अगर बच्चे को कह दिया कि उसका खत उसके अब्बा तक नहीं पहुंचा तो उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए उसे कहना ही पड़ेगा कि उसके अब्बा का खत आया है। मैं अंदर आ सकता हूं? आओ आओ बेटा आओ। नमस्ते। नमस्ते। अनवर, तुम्हारे अब्बा का खत आया है। खत? हाँ, वो आएंगे। जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। अनवर, अमृतसर का मशहूर गुंडा सड़क से गुजरे तो तिजोरी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए। चलो भाई बंद करो। लाला, तिजोरी से लिपटे पड़ो। आ गया। अब क्या होगा? हाथ तो जैसे दो पहाड़ एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे, दो तलवारें एक दूसरे से टकरा जाएंगी, एक का खून बहेगा और दूसरे की प्यास बुझेगी। क्यों खान, आ गए हिंदुस्तान? आ तो गया हूँ और वो तुम भी देख रहे हो। देख तो रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ खान। हम अकेला है और खुदा की साथ भी अकेली है। अच्छा खान, मैं भी मर्द का बच्चा हूं, अकेले ही तुमसे हिसाब चुकाऊंगा। ओए, अगर तुम मर्द का बच्चा है छलिया, तो हम भी पठान का बच्चा है। हम वादा करता है कि उस वक्त तक नहीं जाएगा यहां से जब तक कि हमारा तुम्हारा हिसाब चूक नहीं जाएगा। लड़की को देख लिया खान? सकीना का बदला यही है कि तुम इस लड़की को भगा ले चलो यहां से। तुम्हारी सकीना नहीं मिलेगी तुम्हें, लेकिन इंतकाम की भट्टी तो ठंडी हो जाएगी जो 5 साल से तुम्हारे सीने में चल रही है। तुम नहीं खाओगी? मैं बाद में खाऊंगी। क्यों? यूं ही, मेरा आज व्रत है। व्रत? तो हम भी नहीं खाते, हमारा भी आज व्रत ही सही। तुम ये व्रत नहीं रख सकते। क्यों? ऐसा कौन सा व्रत है जो तुम रख सकती हो और मैं नहीं रख सकता? खामखा की जिद कर रहे हो तुम। जिद ही सही, खाऊंगा तो उसी वक्त जब तुम खाओगे। अब इससे कौन समझाए कि मैंने सुहाग का व्रत रखा है। मेरे पति ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मैं उसी के जीवन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। ये तुम्हारी क्या लीला है भगवान? मैं सुहागन हूं, लेकिन सुहागन की कोई भी रीत पूरी नहीं कर सकती। मैं माँ हूं, लेकिन मेरी गोद खाली है। मेरे पीछे अंधेरा है, आगे अंधेरा है, इतना अंधेरा कि तुम्हारे भी घर में मुझे रोशनी नहीं दिखाई देती। देख यार, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं तो तुम्हें यार ही कहूंगा। हाँ तो सुन यार, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत तो यह है कि उसे मालूम भी नहीं और मैं उसे कह भी नहीं सकता। तो जानता है, बड़े बड़े गुंडों से लड़ जाता हूँ, छुरी चाकू से मुझे डर नहीं लगता। चिड़िया जैसी लड़की है, लेकिन जब उसके सामने जाता हूँ बोलती बंद हो जाती, जबान पे ताले लग जाते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं। शांति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? क्यों, तुम समझती हो भगवान सिर्फ तुम्हारे ही, हम कुछ नहीं मांग सकते? क्यों नहीं मांग सकते? क्या मांगने आए थे? हाँ? वो थोड़ी सी हिम्मत। हिम्मत? लेकिन तुम तो पहले से ही बहुत हिम्मत वाले हो। ये बात नहीं, बात दरअसल ये है, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ अब तक उसे कह नहीं पाया। तो कह दो। हुँ? उसे कह दो। हाँ। हाँ? नहीं तो मुझे उस लड़की से मिला दो, मैं कह दूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद उसे कहूंगा। अच्छा, तुम ही कह दो। शांति, शांति, भगवान तुम्हारा जोड़ा बनाए रखे। शांति, शांति सुनो, शांति देखा यार, हम जैसों की तकदीर ही ऐसी। मैं कुछ कह ही पाया था, इनकार करके चली गई। ठीक, दुनिया मुझको रास न आई, पहले कदम करी तो पहचाई। सदा आजाद रहते थे हमें मालूम ही क्या था, मोहब्बत क्या बला है, मोहब्बत क्या बला है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। बात हुई जिसकी वजह से तुम जा रही हो यहाँ से? नहीं, तुम्हारे पहले ही बहुत एहसान है मुझ पर, एक एहसान और करो। ये मत पूछो मैं क्यों जा रही हूँ। ये तो बताओ, अकेली तुम जाओगी कहाँ? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा जला हुआ नसीब भी है। सुनो, जाने से पहले उस लड़की से नहीं मिलोगी जिसे मैं प्यार करता हूं? मिलूंगी। कहाँ रहती है वो? चलो मेरे साथ। रास्ते ले जा रहे हो? यही है वो लड़की। कहाँ? अभी दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। सुनो, तुम जरा आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो, इधर देखो। ये सच है शांति, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना कभी किसी मर्द ने किसी औरत से न किया। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो, ये सब सुनना भी पाप है मेरे लिए। पाप? भूल गई? एक दिन यहीं बैठकर तुमने गाया था, किस छलिए पर ये दिल आया। और आज जब मैं कहता हूँ तुम कहती हो पाप है। नफरत पाप है शांति, प्यार कभी पाप नहीं हो सकता। प्यार तो दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है। ये कौन है? मेरे पति। मेरे पति, तुम्हारी शादी कब हुई थी? पिछले जन्म में। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मेरे पिछले जन्म की कोई भी बात नहीं जानना चाहोगे, इसलिए मैं फिर मैं करती भी क्या? तुमने मुझे एक नया जीवन दिया और अब तक मैं एक ही उम्मीद के सहारे दिन काट रही थी कि उन्होंने मुझे न सही, कम से कम अपने बच्चे को तो अपना ले। तुम्हारा बच्चा? हाँ, बदनसीब माँ की तरह वो भी अपने बाप के प्यार के लिए तरसता रहता है। रहते कहाँ? यही दिल्ली में, इतने पास लेकिन कितनी दूर। दुनिया कितनी छोटी है लेकिन दो आदमियों के बीच के फासले कितने लंबे हो सकते हैं, कितने भयानक और कितने काले। वाह रे छलिया, उसे मिलोगे ना खुद ही उसे दे देना। हाँ, तुम जा रही हो छलिया से बिना मिले ही। उसने तुम्हें मरने से बचाया, तुम्हें नई जिंदगी दी, तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारी बेबसी और मजबूरी से फायदा उठाने की कभी कोशिश नहीं की। बेशक तुम उसे प्यार नहीं करती और वो भी तुम्हारे प्यार का हकदार नहीं, फिर भी जाने से पहले कम से कम उसके एहसानों के बदले धन्यवाद तो देती जाओ। क्या वो इसका भी हकदार नहीं? सकीना का बदला किसी भी औरत से लेगा। औरत से बदला लेगा? मैं जिंदा हूं। भैया बहन सब लोग खान। मेरे भाई को मत मारो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। भाई खान? हाँ यही है वो जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे बना दी, जिनकी अच्छाइयां मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बहन ये खंजर लो और मेरी इन आंखों में भोंक दो। आज इन आंखों ने अपनी बहन पर बुरी नजर डाली है। और तुम चलिया आगे बढ़ो और बढ़कर हमारे ये हाथ काट दो। आज ये हाथ एक बेसहारा औरत पर उठ रहे थे। ये खान सकीना का बदला नहीं चुकाओगे? खान मर चुका छलिया। खान तो उसी वक्त मर गया जबकि उसने एक बहन का बदला दूसरी बहन से लेना चाहा। सकीना का कुछ पता नहीं चला भैया? नहीं, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि सकीना को किसी और ने नहीं भगाया। कोई मेरे ही जैसा कमीना भाई था जिसने अपनी ही बहन को भगाया। खुदा बंदे रसूल से दुआ है कि वो मेरा ये गुनाह बख्श दे और तुम्हें सलामत रखे। चलिया हमारी बहन का ख्याल रखना। मैंने अपनी सकीना को खुद भगा दिया। अब्बा, अब्बा, अब्बा मुझे मानता कि तुम आ गए। तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। एक मिनट के लिए भी ना छोड़ूंगा अब्बा। अपनी सकीना को, अपनी सकीना को मैंने खुद ही भगा दिया। अब्बा मैं कान पकड़ता हूँ और फिर किसी को नहीं पत्ता मारूंगा अब्बा। चलो अनवर क्लास का टाइम हो गया है। अब मैं अभी किसी को अपने पर से मारूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। अब्बा तू यहाँ बैठ जाना। हेडमास्टर जी आ गए। अब्बा तुम यहीं बैठना, जाना कहीं नहीं। मैं अभी आता हूँ। तुम्हें मेरी कसम अब्बा, तुम्हें मेरी कसम, जाना कहीं नहीं अब्बा, मैं अभी आता हूँ। सकीना को मैंने खुद ही भगा डाला। सकीना को मैंने खुद ही भगा डाला। खान, खान तुम यहाँ बैठे हो? मैंने तुम्हारे लिए सारी दिल्ली छान मारी। देखो तुम्हारा ये बटुआ गिर गया था और उस पर यह परमिट निकला है, तुम्हारे यहाँ आने का परमिट। इसकी मियाद आज खत्म हो जाती है खान। तुम्हें आज ही वापस जाना होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान वो है जो हिंदुस्तान नहीं खान। हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान जहाँ पर है उसे वहीं पर ही रहने दो। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गाड़ी पर चढ़ा देता हूँ। मेरे अब्बा किधर गए? कौन अब्बा? वो पगला पठान। हाँ वही मेरे अब्बा थे। वो तो चले गए। कहाँ? रेलवे स्टेशन। मैं भी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं, लेकिन वादा करता हूँ खुदा हाफिज चलिया। खुदा हाफिज। सलाम। पाकिस्तान जा रहे हो? हाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा एक काम करो, बरसों से किसी की अमानत मेरे पास है जिसे मैंने बेटी की तरह रखा है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये हमारी जिंदगी में न लौटा सका तो वहां गुरु के पास कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? तुम मेरी मदद कर सकते हो खान? मदद? हाँ, इस लड़की का भाई पाकिस्तान में है, बहन से भाई को मिला देना बड़ा पुण्य होगा। इधर आ बेटी। खान भैया, मुझे पहचानते नहीं खाना? मैं सकीना हूँ। सकीना? मैंने अपनी सकीना को खुद भगाया, मैंने अपनी सकीना को खुद भगाया। सकीना तुम्हारे सामने खड़ी है खान भाई। सकीना, ये बच्चा यहाँ पढ़ता है जी? जी हाँ। आपको कहाँ से मिला? स्टेशन से चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस लड़के के माँ बाप नहीं जो इसकी देखभाल कर सके। अगर गाड़ी के नीचे आ जाता तो? बेटे तुम जरा बाहर जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस लड़के की जान बचाई। कौन है ये लड़का? है बेचारा बहुत ही बदनसीब, माँ इसे छोड़कर चली गई, बाप है इसे अपनाने को तैयार नहीं। आप जानते हैं इसका बाप कौन है? हाँ, वो मेरे ही स्कूल में पढ़ाता है। उसने खुद कभी नहीं कहा, लेकिन इंसान नजर पहचान लेता है। मुझे मालूम है केवल ही अनवर का बाप है। और उसकी माँ? बेचारी 5 बरस के बाद यहाँ आई। माँ बाप ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, पति ने उसे ठुकरा दिया, समाज का पूरा गुस्सा उतरा तो निर्दोष औरतों पर या इन मासूम बच्चों पर। मैंने केवल को कई बार अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। आपने कई बार उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है ना? एक बार मैं भी उसे समझा कर देखता हूं अपने तरीके से। तुम कौन हो? अंदर कहां चले आ रहे हो? मैं पूछता हूं कि तुम कौन हो? अपने तो कई नाम है, राजकुमार, गुलाम मोहम्मद, गुरबचन सिंह, जोसेफ, टूजा। तुम चाहो तो छलिया भी कह सकते हो। यहां क्यों आए और ऐसे क्यों लाए हो अपने साथ? तुमसे मिलने आ रहा था, तुम्हें गले लगाने, तुम्हारा हाथ चूमने, इसलिए इसे भी साथ लेता आया। इसने भी तुम्हारे जैसा बहादुर पहले कब देखा होगा। तुम क्या बक रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं बक नहीं रहा, ठीक कह रहा हूं। मैंने बड़े बड़े बहादुर देखे, दिलेर और सूरमा देखे, मगर तुम्हारे जैसा सूरमा एक भी नहीं देखा मैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फसाद जब खड़ा हुआ तो उसमें करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए, लाखों बच्चे यतीम हो गए, हजारों औरतों के सुहाग उजड़ गए, दोनों कौमों को। मगर वाह, तुम ऐसे सूरमा हो कुछ तुम खून का बदला एक नन्हे बच्चे से ले रहे, इतनी बड़ी कौमों का हिसाब उस छोटी सी जान से चुका रहे। और जान भी कौन सी? तुम्हारी अपनी जान, तुम्हारा अपना बेटा। लेकिन सबूत क्या है कि मेरा बेटा है? सबूत? ये क्या रखा है सामने? ये भगवान की मूर्ति है। इसका क्या सबूत है कि ये भगवान है? मेरा दिल मानता है कि ये भगवान है। तो मैं तुम्हारे दिल से पूछता हूं, ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे पिताजी हैं। इसका भी क्या सबूत है कि ये तुम्हारे बाप हैं और तुम इनके बेटे हो? भी सबूत चाहिए? आओ मेरे साथ, डालो इसकी आंखों में आंखें और अपने सीने पर हाथ रख के कहो कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। एक दिन मैंने ही तुम्हें ठुकरा दिया था। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, यहाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जी भर के तो देख लो। छलिया, छलिया। अच्छा मत करो, मैं जाता हूँ। कहाँ? क्या मैं रहता हूँ वहाँ। अनवर, अब तुम मेरे पास रहा करो। हाँ बेटा, तुम मेरे पास रहो। मैं कल तुम्हें दशहरे के मेले में ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लूंगा, अच्छे अच्छे जूते, अच्छी अच्छी जुराबें। बाप को खोया हुआ बेटा मिल गया, बेटे को खोया हुआ बाप, पति को खोई हुई पत्नी मिल जाएगी, पत्नी को उसका पति, उसका सुख और उसका संसार। लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा छलिया? मुझे मुझे मन की शांति। शांति चली जाएगी तो तुम्हारे मन का क्या हाल होगा? छलिया, खूब आया अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली में दिल भी अटका तो जाके किस जगह। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दशहरे के मेले में जा रहे हैं। मेले में? मैं क्या करूंगी जाके मेले में? क्यों? तुम क्यों नहीं जाओ? जानती भी आज दिन कौन सा है? आज विजयदशमी है। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अरे इसमें हर चीज क्या है? देखो तो, देखो क्या लिखा हुआ? शांति सौभाग्य वस्तु भंडार, है ना? फिर चोरियां तो सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती है ना। अरे ये कैसे पहनाते हो? जीत तो खूब हुई, अब मेरी ज़बानी सुन लो। गली गली सितारे आज मेरे देश में, सीता देखी राम देखा आज नए भेष में, आज नए भेष में। गली गली सितारे आज मेरे देश में, सीता देखी राम देखा आज नए भेष में, आज नए भेष में। तुमने नाम सुना दुखिया मैं उसे देख के आया हूँ, तुमने नाम सुना दुखिया मैं उसे देख के आया हूँ। ओ देश के बहनों भाइयों मैं एक नई शिकायत लाया हूँ, ओ देश के बहनों भाइयों मैं एक नई शिकायत लाया हूँ। ये है माता ये है बीवी दुखिया जीती जागती, रूठे हुए नाथ से ये खोया प्यार मांगती, रूठे हुए नाथ से ये खोया प्यार मांगते। गली गली सितारे आज मेरे देश में, सीता देखी राम देखा आज नए भेष में, आज नए भेष में। चले गए अनवर। उसकी लीला देख चुके कोई इसकी लीला जाने ना, उसकी लीला देख चुके कोई इसकी लीला जाने ना। पिया यहाँ प्रीत यहाँ पर कोई पहचान ना, पिया यहाँ प्रीत यहाँ पर कोई पहचान ना। आगे बढ़ के देख दीवाने तू ही इसका राम है, इसके दिल को चीर के देखो लिखा तेरा नाम है, इसके दिल को चीर के देखो लिखा तेरा नाम है। गली गली सितारे आज मेरे देश में, सीता देखी राम देखा आज नए भेष में, आज नए भेष में। गली गली सितारे आज मेरे देश में, सीता देखी राम देखा आज नए भेष में, आज नए भेष में। भी खफा हो गया, बहन किसी भाई की है वो भी खफा हो गया, माँ ये किसी लाल की है वो भी जुदा हो गया, माँ ये किसी लाल की है वो भी जुदा हो गया, जनक पिता छोड़ दे तो कहाँ जाए जान के, माँ इसे पहचान के भी फिर नहीं पहचानती, माँ इसे पहचान के भी फिर नहीं पहचानती, गली गली सितारे आज मेरे देश में, सीता देखी राम देखा आज नए भेष में, आज नए भेष में। क्यों भरोसा नहीं इस पे, क्या ये प्यार झूठा है, बोलो बोलो आंसुओं का क्या ये हार झूठा है, इसकी कथा झूठी है तो झूठा ये जहान है, subscribe to www.youtube.com/venusmovies.